Sri Ram Gopal Yadav, Ram Kripal Yadav. Thank you, madam. मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के अंतर्गत मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में तरेगना स्टेशन के ठीक दक्षिण सटे हुए एक रेलवे गुमटी है। यह पटना गया रेलखंड पर अवस्थित है। यहां हमेशा जाम लगा रहता है। NH 83 इसी गुमटी से होकर गुजरती है। पटना से गया जाने के क्रम में कम दूरी के कारण अक्सर गाड़ियां इसी गुमटी से होकर गुजरती है। रेलवे गुमटी के दोनों तरफ मसौढ़ी का मुख्यबाजार है। प्रतिदिन उस गुमटी से पटना, पालीगंज और नौबतपुर की तरफ जाने वाली हजारों गाड़ियां गुजरती है। चूंकि रेलवे गुमटी मसौढ़ी के दो भागों में बांटती है, इसी कारण स्थानीय लोगों का आवागमन भी उसी गुमटी पर निर्भर करता है। मसौढ़ी के लोगों का धनरुआ जहानाबाद गया जाना होता है, उस गुमटी से होकर गुजरना पड़ता है। कोई अन्य वैकल्पिक सड़क नहीं है। जब रेलवे गुमटी बंद रहती है तो स्थिति में काफी विकट स्थिति हो जाती है। काफी जाम लग जाता है, काफी परेशानी में आते हैं। चार चार सर पांच पांच घंटा तक लोग फंसे रह जाते हैं। स्कूली बच्चे भी जाते हैं, उनको भी भारी तकलीफ होती है। इमरजेंसी में कई मरीजों को आने जाने में काफी परेशानियों का नौबत आ जाता है और लगभग रोज का ही हाल है। सर प्लीज, जाम के कारण मैं खत्म कर रहा हूं। जाम के कारण स्थानीय व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है। अतः स्थानीय लोगों के बार बार अनुरोध पर मेरा यह आग्रह होगा, चूंकि उस इलाके में प्रमुख समस्या बन गई है और जब तक मसौढ़ी गुमटी पर एक रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस समस्या से, गंभीर समस्या से लोगों का निदान नहीं होगा। अतः मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि अविलंब पूर्ववर्ती सरकार ने वहां प्रस्तावित ओवरब्रिज का व्यवस्था किया था। माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी थे। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से जो वर्तमान में है कि अविलंब ठोस कार्रवाई करें, ओवरब्रिज बनाए ताकि वहां की समस्या का निदान निकल सके। बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद सभापति सभा।